मेरा तो टायरों का शुरू में देख ही रहेगा डीलर हूँ मैं। अच्छा, शुरू से ही जी। लेकिन मुझे शौक था बकरी पालन का। अच्छा। मैं घर पे पालता था बकरियाँ। अच्छा, घर से बढ़ता बढ़ता फिर मैं इसमें लग गया, फिर मुझे प्रॉफिट मिलने लग गया। अच्छा, प्रॉफिट मिला फिर मैंने ब्रीड चेंज करी, उससे ज्यादा प्रॉफिट मिला था, इसको मैंने अपना प्रोफेशनल धंधा भी बना लिया। अच्छा, नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं राम खिलाड़ी मीना और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस। तो साथियों, जैसा कि मैं गोट फार्म पे आया हूं, सर यहां पे काफी दिनों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम सर का यहां पे है और अच्छी ब्रीड पे सर काम कर रहे हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं आज कि अगर कोई बकरी पालन करना चाहे कौन सी ब्रीड पे काम करे जिससे कि उनको ज्यादा मुनाफा हो, और किस तरह से बकरी पालन कर सकते हैं और कौन कौन से चैलेंज बकरी पालन में आ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और बकरी पालन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दें एक बार हमारे दर्शकों का। सर मेरा नाम इमरान खान है, मुझे गोट फार्मिंग करते हुए 15 साल हो गए हैं सर। जी, तो सर थोड़ी लोकेशन भी बताएं अपनी। सर ये रिसानी गाँव में हमारा फार्म है जी। तो सर चौमू के पास जी। अच्छा, तो 15 साल से आप बकरी पालन कर रहे हो। बिल्कुल सर, 15 साल से बकरी पालन कर रहे हो। अच्छा, तो सर अभी किस ब्रीड पे काम कर रहे हो? अभी हम सोजत ब्रीड पे काम कर रहे हैं। सोजत ब्रीड पे। बिल्कुल। अच्छा, तो सर सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपने शुरुआत कब की थी बकरी पालन की? सर हमने फार्म की शुरुआत 2012 से की थी। अच्छा जी। तो सबसे पहले सर कितनी बकरी आप लेके आए थे फार्म? 60 बकरियां लेके आए थे सर। 60 बकरियों से आपने शुरुआत की? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले जो आपने नस्ल का चुनाव किया था सर, वो कौन सी नस्ल? वो थी यहाँ की लोकल ब्रीड, अपनी गुजरी नस्ल पे था। अच्छा, तो उसके बाद में आपने नस्ल चेंज कैसे कर दी, वो क्या? सर प्रॉफिट का देखा ना। अच्छा। में प्रॉफिट ज्यादा नजर आया। अच्छा, तो उसके बाद में आपने नस्ल चेंज कर दी? बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर जो आपने प्रॉफिट की बात कर रहे हो, जो आपने शुरुआत यहाँ पे लोकल ब्रीड से की और अभी आपके पास सोजत ब्रीड है, सोजत ब्रीड, तो इसमें जो मुनाफा और घाटा का जो आप बात रहे, वो किस बेसिक पे रहा और किस में आपको मुनाफा ज्यादा मिला और किस में घाटा ज्यादा, वो क्या इसका कारण क्या है वो बताएं सबसे पहले। सर लोग बाग वाइट, ये सोजत वाइट नस्ल कलर आता है और वाइट कलर ज्यादा पसंद करते हैं जी, और इसलिए प्रॉफिट सोजत में ज्यादा मिलता है। अच्छा, और गुजरी और सोजत में यही फर्क है कि जानवर बराबर खाता है लेकिन सोजत में मार्जिन ज्यादा निकलता है जी। तो सर अगर कोई नया किसान साथी इसकी पहचान करना चाहे तो सोजत की पहचान कैसे कर सकता है, इसकी क्या पहचान है वो बताएं? सोजत ये गुलाबी स्किन आती है, वाइट, और बिल्कुल वाइट बकरी आती है। अच्छा, पूरे शरीर इसका वाइट होता है? बिल्कुल वाइट के अंदर आते, बिल्कुल वाइट मार्बल खुद जी। और सर अगर बात करूं इसके अगर दूध उत्पादन की, तो एक बकरी मिनिमम सोजत ब्रीड की कितना दूध उत्पादन कर सकती है एक दिन में? सर ज्यादा से ज्यादा सोजत में सबसे बड़ा रीजन ये है कि दूध कम आता है गुजरी के मुकाबले में। अच्छा, जो अपनी लोकल ब्रीड है उसमें दूध की नस्ल ज्यादा है। अच्छा, तो ये बकरी दूध कितना निकाल सकती है वो भी बताएं? दूध देने को तो ये भी 2 किलो भी देती है, 3 केजी भी देती है जी। ये बाकी लोकल ब्रीड के मुकाबले दूध की मात्रा कम है? दूध की मात्रा कम है। अच्छा, गोदरी की एक बकरी 3 किलो भी देती है, 4 किलो भी देती है, सोजत में इतना नहीं आता प्रोसेस जी। तो जो नया किसान साथी मान लो कोई इसको शुरू करना चाहे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो, किस ब्रीड पे वो काम करे? नए किसान भाई को तो यही सजेशन मिलेगी कि सुबह अपने लोकल ब्रीड पे काम करे सबसे पहले। अच्छा, जो लोकल ब्रीड अपने यहाँ एरिया में सेट देती है उसको पालने पोसने में आसानी रहती है उसको। अच्छा, बीमार वगैरह कम पड़ती है उसे जानवर, वो भी तो सोजत पे अगर वो काम करे तो सोजत में उसकी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है सर? सर सोजत ब्रीड होने तो ये भी सरवाइव कर लेती है, लेकिन आपको समझने में टाइम लगेगा इसको जी। लोकल ब्रीड में आपको इतना टाइम लगेगा, लोकल ब्रीड आप जैसे नॉर्मल रखते हो वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, तो सर समस्याएं कौन कौन सी आ सकती है वो? बीमारी बस जानवरों में जो आती है, जो ये नाजुक नस्ल है थोड़ी। अच्छा, और अपने लोकल ब्रीड तो अपने एरिया से मुनासिब होती है, वो सब पकड़ती है। तो समस्याएं लोकल ब्रीड में कम आती है और सोजत में समस्याएं ज्यादा आ सकती है शुरुआत में। शुरुआत नए किसान के, नए किसान साथी को एक वो काम करता रहेगा। अच्छा, तो उसको भी वो समस्या नहीं मिलेगी आपको, तो शुरुआत बकरी पालन में समस्या समाधान हो जाता है, वो समझ में आ जाती है उसको। अच्छा, तो शुरुआत जैसे वो लोकल ब्रीड से करता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगी, तो और फिर दोबारा वो सोजत में काम कर सकता है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, सब काम करने लगेगा, बकरी पालन समझ में आ जाता है सबसे बड़ी बात। अच्छा, कि बकरी पालन में क्या काम करना, कैसे करना, क्या वैक्सीन, क्या दवाई, क्या चीज। अच्छा, वो चीज उसको मालूम चल जाती है जी सर, और वो चीज समझने को जानने के पश्चात वो किसी भी ब्रीड पे काम कर सकता है फिर, वो ये सोचती है। अच्छा, अन्य किसी भी ब्रीड पे काम कर लेगा बंदा फिर।
तो सर सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपका बकरी पालन में रुचि कैसे हुई, उससे पहले आप क्या काम करते थे? तो मेरा तो टायरों का शुरू में देख रहेगा डीलर हूँ मैं। अच्छा, शुरू से ही जी। लेकिन मुझे शौक था बकरी पालन का। अच्छा। मैं घर पे पालता था बकरियाँ। अच्छा। घर से बढ़ता बढ़ता फिर मैं इसमें लग गया, फिर मुझे प्रॉफिट मिलने लग गया। अच्छा। प्रॉफिट मिला फिर मैंने ब्रीड चेंज करी, उससे ज्यादा प्रॉफिट मिला तो इसको मैंने पूरा प्रोफेशनल धंधा भी बना लिया। अच्छा, तो सर अगर कोई किसान साथी, नया किसान साथी इसकी शुरुआत करना चाहे तो कितनी बकरी से उसको शुरुआत करनी चाहिए? मैं तो कम से कम राय दूंगा 5 बकरी ज्यादा नहीं डाले। अच्छा, और वो भी बच्चे वाली बकरी, ना कि नई पट्ठे लागे या बच्चे लागे पाले, उसके राय नहीं देंगे। क्योंकि बच्चा लाओगे आप उसको तैयार करो, उसमें टाइम लगेगा आपको जी। बड़ी बकरी लाओगे आप, यावन बकरी लाओ या बच्चे वाली बकरी लाओ, उसको पालो, बच्चे जितने दिन में आप दूध बकरी ग्रोथ होगी उतने में उसके बच्चे तैयार हो जाते हैं आपके पास। जी सर। तो प्रॉफिट बकरी को पालन में होता है, बड़ी बकरी में जी। तो सर हम एरिया में घूमते हैं फिरते हैं, विजिट करते हैं, तो काफी जगह हमने देखी है जो बकरी को खुला छोड़ते हैं और ऐसे घुमाते फिराते हैं, वो उतराते हैं, और आपने सिर्फ अपने फार्म पे रखी, इसका क्या कारण है? ये हमारे स्टॉल फीड पे रखते हैं, बाहर नहीं बेचते, हमारे खुद के फार्म की जमीन में खुद में ये जो जगह है वही पे चलती है। अच्छा, तो सर फीड मैनेजमेंट क्या कुछ रखा हुआ आपने बकरी का? फीड मैनेजमेंट में हरी पत्ती है, मक्का है जी, गुआर का भूसा है जी, बेर की बजी है। अच्छा, ये चीजें हैं जो स्टॉक में रखते हैं हम, 12 महीने का स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, ये चलता रहता है पूरा 12 महीने हमारे। तो सर कितनी बार डालते हो दिन में बकरी को ये? तो ये 3 बार डालता है, सुबह सुबह तो हम इनको दाना दे देते हैं जी, फिर इनको हरी पत्ती वगैरह डल जाती है, दिन में गुआर का भूसा, बेर का चल जाता है, बाला वगैरह जो भी आता है वो सब चल जाता है। अच्छा, तो सर अभी के टाइम पे कितनी बकरी है आपके पास मौजूद फार्म? अभी बकरी बकरी देता हमारे पास 125 बकरी होगी परसेंट में अभी। अच्छा, और 100 के आसपास बकरे होंगे अभी। अच्छा, तो सर एक बकरी की 12 महीने में डिलीवरी कितनी बार हो जाती है? सर 12 महीने 2 बार डिलीवरी हो जाती है सर। अच्छा जी, तो मिनिमम बच्चा एक देती है दो बकरी? बकरी एक भी दे देगी, दो भी देती है, वो आपकी डाइट पे होता है। डाइट पे होता है बकरी की डाइट, खुराक जो जैसे दोगे, बकरी हेल्थी होगी आपके 2 बच्चे लाएगी। अच्छा। कमजोर होगी 1 बच्चा लाएगी जी। तो सर अब वीडियो के लास्ट में ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे 100-125 बकरी आपके पास, उसमें खर्चा कितना हो जाता है और शुद्ध जो मुनाफा वो कितने का हो जाता है? सर हमारे फार्म में 50 लाख की बकरी है, तो इसमें 10 लाख का प्रॉफिट निकल जाता है 50 लाख का। अच्छा, 10 लाख का शुद्ध मुनाफा आप इससे बचा लेते हो? उसमें आप खर्चा वर्चा सब निकाल कर आपको 10 लाख रूपए प्रॉफिट निकल जाएगा साल का। ये शुद्ध मुनाफा है? ये शुद्ध मुनाफा आ जाएगा आपको, उसमें आपको बच्चा बच्चा मोर्टेलिटी सब आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, तो जो नए किसान साथी इसकी शुरुआत करना चाहेंगे तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वो भी बताएं भाई। सबसे ये नए किसान भाई जो शुरुआत करें वो कम से कम बकरी, बड़ी बकरी पे शुरुआत करें। अच्छा, बच्चों पे नहीं ध्यान देकर बड़ी बकरी पकड़े, यावन बकरी ले या तो ये बच्चों वाली बकरी लेकर उससे फार्म चालू करें। अच्छा। उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और मेहनत भी कम लगेगी आपको। अच्छा, और आपकी मोर्टेलिटी भी कम होगी, बच्चों के मरण होने का भी कम काम होगा। अच्छा, तो सर आपने वीडियो में किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर जी। तो किसान साथियों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं।